ये रहा आपके जूस, बिल्कुल ठंडा ठंडा। ना ना ना, इसको कलर देके आप ऑरेंज जूस मत समझिए, ये है बेल का जूस। कैसे आप लोग सब, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। और आपको दिन और अच्छा बनाने के लिए मैं लेके आया हूँ आज एक पेड़ से पका हुआ बेल। इसको हम शरबत बनाएंगे, एक ही बेल, और उसके अंदर बहुत सारे गुण होता है, बहुत सारे मेडिसिन बेनिफिट होता है। आपको इसको रोज पीने से गर्मी में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम इस शरबत के रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। और अभी हमने ये बेल को तोड़ दिए हैं और इसके सारे प्लॉप्स हम निकाल लेंगे एक बर्तन पे सारे के सारे। पूरा एक बेल में इतने सारे प्लॉप निकला और काफी मात्रा से ही निकला है। अभी इसको हम आगे की प्रोसेस पे ले चल। इसमें हम डालेंगे पानी और पानी के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स करके अभी हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी इसको हम अच्छे से छान लेंगे। इसमें क्या होगा, जो प्लॉप सारे मिक्स हुआ है वो नीचे चला जाएगा, उसका जो खुदरा पार्ट्स है जो उसके जो खाया नहीं जाता वो सारे हम अच्छे से इसको मिक्स करके हम निकाल देंगे। इसमें सारे उसके जो बीज और उसका जो खुदरा पार्ट्स है सारे अच्छे से निकल जाएंगे और पूरा जूस नीचे चला जाएगा। ये देखिए बढ़िया सा उसका जूस निकल गया। और इसको आप बेल की जूस भी बोल सकते हैं और शरबत भी बोल सकते हैं। और बाकी रहा ये, इसमें अगर आप शक्कर डाल के या गुड़ डाल के पी सकते हैं, ऑप्शनल है, आप चाहे डालें या ना डालें आपके ऊपर है। मैं इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल रहा हूँ थोड़ा सा टेस्ट अच्छा बनाने के लिए। और शक्कर के बाद मैं डालूंगा इसमें ब्लैक पेपर के पाउडर और अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। बढ़िया सा ठंडा शरबत बेल वाला मिल जाएगा आपको और आप पी के उसको खुश हो जाओगे और हेल्दी भी बने रहोगे। थैंक यू। चैनल को लाइक करिए।